Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know that we are doing chapters from class 6 new NCERT for social science. We have started chapter 7. We are already done two parts of this chapter. Now this is part 3. So let us just start and see what is there in this part. अभी जैसे हमने उपनिषद से रिलेटेड स्टोरीज पढ़ी वैसे यहाँ जातका टेल्स यानी जातक क्या है, एक कहानियों का संग्रह है। उसमें की कुछ कहानियां दी हैं और अजैन स्टोरी, यहाँ पर जैन स्टोरी एक दी गई है, इसको हम रीड करते हैं। तो चलिए जातका टेल्स को रीड करते हैं। जातका टेल्स विच हैव डिलाइटेड जनरेशन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स टेल स्टोरीज ऑफ बुद्धास फॉर्मर बर्थ्स एंड एक्सप्रेस इन सिंपल टर्म्स द बुद्धिस्ट वैल्यू। जातकास की जो कहानियां हैं वो बहुत जनरेशन से बड़े बूढ़े बच्चे सभी पढ़ते चले आ रहे हैं और डिलाइट यानी खुशी का अनुभव कर रहे हैं। इन कहानियों में बुद्धा के जो पिछले जन्म हैं उनमें वो क्या थे उन सबके बारे में बताया गया है और बुद्धिस्ट की जो टीचिंग्स हैं, वैल्यूज हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से सिंपल टर्म्स में समझाया गया है। एक वेल नोन कहानी हम देखते हैं। सो इन अ वेल नोन टेल बुद्धा वॉज द किंग ऑफ अ लार्ज ट्रूप ऑफ मंकीज। एक बहुत बड़ा झुंड था बंदरों का, उसका राजा कौन था? बुद्धा थे। They live near a huge tree which bore fruit of divine fragrance and taste. ये सभी बंदर अपने राजा के साथ एक ऐसे पेड़ पे रहते थे जिसके फ्रूट्स की खुशबू और टेस्ट दिव्य थी, मतलब बहुत ही अच्छी थी। Despite the monkey king's instruction that no fruit should escape, one day a ripe fruit fell into the stream below. उस पेड़ के नीचे एक नदी की या धारा बहती थी, पानी की कोई सी छोटी सी स्ट्रीम बहती थी। राजा ने इंस्ट्रक्शन दिया था सभी बंदरों को कि इस पेड़ का एक भी फल गायब नहीं होना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक फल पका हुआ था, एक दिन वो उस नदी की धारा में गिर गया। कैरेड बाय द करेंट इट वॉज कॉट इन अ नेट एंड टेकन टू द पैलेस। नदी की धारा के साथ बहते बहते वो एक जाल में जाकर वो फ्रूट फंस गया। उसके बाद उसको पैलेस में यानी महल में ले जाया गया। द किंग वॉज सो एंचेंटेड बाय इट्स टेस्ट दैट ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू लोकेट द ट्री इट केम फ्रॉम। राजा उस फल को खाकर इतना एंचेंटेड, मतलब जादुई उसको एहसास हुआ कि इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि उसने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि पता करो कि ये फल किस पेड़ से आया है। After a long search, they found the tree and the monkeys enjoying the tree fruits. बहुत सर्च करने के बाद उन्हें वो पेड़ मिल गया जिसपे बैठकर बंदर सभी फल खा रहे थे। The soldiers attacked the monkey और उन्होंने monkeys पे अटैक कर दिया soldiers ने। The only way for the monkey king to save his king was to help them cross the stream, but they could not do so on their own. Being much larger than them, the monkey king caught hold of a tree on the other bank and let them use his body as a bridge to cross the stream. Although he was severely bruised in the process. And eventually died. So, soldiers के अटैक से बाकी बंदरों को बचाने के लिए किंग मंकी के पास एक ही रास्ता था जिसमें कि वो बाकी के बंदरों को नदी के या जो स्ट्रीम थी उसके दूसरी पार भेज दे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि सभी बंदर छोटे थे। क्योंकि किंग मंकी की बॉडी बड़ी थी तो वो ब्रिज की तरह स्ट्रीम के दूसरे तरफ वाले पेड़ को पकड़ के और लेट गया, जैसा आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, और अपने आप को ब्रिज की तरह बना लिया जिसके ऊपर से चल चल के सभी बाकी के मंकियों ने स्ट्रीम को पार किया और अपनी जान बचाई। लेकिन इस प्रोसेस में जो मंकी किंग था उसे अटैक्स की वजह से बहुत सारे घाव लगे और इस प्रोसेस में उसकी डेथ भी हो गई। द किंग हु वॉच द सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस वॉज ग्रेटली मूव्ड बाय द मंकीज किंग सेल्फलेस सेक्रीफाइस। ही थॉट अबाउट द रोल ऑफ अ किंग विद द रिस्पेक्ट टू हिज सब्जेक्ट। राजा जो ये सब सीन बहुत दूर से खड़ा होकर देख रहा था, मंकी का जो सेल्फलेस सेक्रीफाइस था, दूसरों के लिए उसने जो सेक्रीफाइस किया, उसे देखकर राजा को एहसास हुआ कि एक राजा का क्या कर्तव्य है अपने सब्जेक्ट्स के लिए, सब्जेक्ट्स यानी जिनके ऊपर वो रूल कर रहा है उनके लिए। नाउ लेट्स रीड अ जेन स्टोरी। रोहिण्या वॉज एन extraordinarily skilled burglar who evaded all attempts to catch him. एक चोर था जिसका नाम था रोहिण्या, वो बहुत skillful था, आज तक वो कभी पकड़ा नहीं गया था। On his way to a city, he accidentally heard a few sentences from a sermon that Mahavira was giving about achieving liberation from the ordinary life of ignorance. जब वो एक रास्ते में जा रहा था उसने गलती से महावीरा उपदेश दे रहे थे, sermon मतलब उपदेश, उनमें की कुछ लाइनें उसने सुन ली कि एक साधारण जीवन से आप अपने जीवन को मुक्त कैसे कर सकते हो। Reaching the city, रोहिण्या was recognized and arrested. He pretended to be a simple farmer. जब वो सिटी में पहुंचा तो उसको अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन उसने कैसा प्रिटेंड किया? उसने ऐसा बताया लोगों को कि वो एक साधारण किसान है, वो चोर नहीं है। A minister devised a clever plan to force him to confess his identity. लेकिन एक मिनिस्टर ने यानी मंत्री ने एक क्लेवर प्लान बनाया, एक चतुर योजना बनाई जिससे कि उसने सोचा अब तो इससे कन्फेस करना मतलब मनवा के ही रहेंगे कि यही वो चोर है। बट रोहिण्या रिमेम्बरिंग महावीरास वर्ड वॉज एबल टू डिटेक्ट द मिनिस्टर्स प्लान एंड डिफीट इट। लेकिन रोहिण्या को महावीरा के कुछ शब्द याद आ गए जिसकी वजह से उसने मंत्री के उस प्लान को पता कर लिया और उसको हरा दिया, मतलब वो नहीं पकड़ा गया। फिर उसके बाद क्या हुआ?
Feeling remorseful, Rohinya approached Mahavira, confessed the crime, returned the stolen treasure and asked for forgiveness. उसे बहुत अंदर से घृणा हो रही थी खुद से ही, उसे पछतावा हो रहा था और वो महावीरा के पास गया, अपने सारे क्राइम को, सारी गलतियों को उनसे बताया, कबूल किया और उसके बाद सारे जो चुराए हुए धन थे उसको लौटा दिया और फिर माफ़ी मांगी. He became a monk, realized the illusion he was living in and focused on acquiring higher knowledge. उसके बाद वो एक साधु बन गया, उसने अपने ज्ञान को बढ़ाने के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया. Story illustrate the importance of right action and right thinking and also illustrate the fact that everyone should have a second chance. इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम अच्छे कर्म करें, अच्छी थिंकिंग रखें तो ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है. और ये भी बताती है ये स्टोरी कि सबको दूसरा चांस मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार गलती हो गई तो लाइफ का ये एंड है, नहीं ऐसा नहीं है. नाउ लेट्स एक्सप्लोर ऑब्जर्व द अबव पैनल फ्रॉम अ जैन टेम्पल इन न्यू दिल्ली. व्हाट इज स्ट्राइकिंग अबाउट इट, व्हाट मैसेज डज इट कैरी. आपको ऊपर वाले पैनल से क्या मैसेज मिल रहा है ये आपको बताना है. सो दिस पैनल डिपिक्टिंग अ काउ एंड अ लायन ड्रिंकिंग फ्रॉम द सेम टब ऑफ वाटर. एक ही पानी का टब है, उसमें से शेर और गाय दोनों साथ साथ पानी पी रही है. और आप देखेंगे अगर ध्यान से तो शेर का बच्चा गाय का दूध पी रहा है और गाय का बच्चा शेर का दूध पी रहा है. इट मीन्स द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल सपोर्ट एंड इंटरडिपेंडेंस एंड ऑल्सो वी कैन से अहिंसा. सब साथ में मिलकर है, म्यूचुअल सपोर्ट है, कोई किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा है. Now, in both Buddhism and Jainism, monks and sometimes nuns too begin traveling across the land to spread their respective teaching far and wide. Some of them created new monasteries in faraway places while others led ascetic lives in cave cut in rock. बहुत सारे जो monks थे, nuns थे, वो दूर दूर जाकर जो teachings थी उसको फैलाते थे, ज्ञान को बांटते थे और कुछ तो उन्होंने monasteries भी बनाई. Monastery यानी मठ, जहाँ पर रहकर ये monk अपना ध्यान करते थे या रहते थे कुछ समय के लिए या teaching देते थे. तो ऐसे मठ create किए गए बहुत सारे. और कुछ जो साधु थे, कुछ जो मॉन्ग थे, वो पत्थरों के कटी हुई गुफाओं में रहते थे. आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैव रिवील्ड मेनी ट्रेसेस ऑफ दोज मोनेस्ट्रीज, समटाइम्स इवन द नेम्स ऑफ मॉन्ग हु लिव्ड इन द रॉक कट केव्स एंड स्लेप्ट ऑन स्टोन बेड. आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसी बहुत सारी फाइंडिंग्स मिली हैं मोनेस्ट्रीज की, जिसमें जो मॉन्ग्स उनमें रहा करते थे उनके नाम भी मिले हैं, जिन पत्थर के बिस्तर पे वो सोया करते थे वो भी वहाँ पर मिले हैं. देयर वर येट अदर स्कूल ऑफ थॉट एट द टाइम, फॉर एग्जांपल वन ऑफ देम नोन एज चारवाका स्कूल सम टाइम ऑल्सो लोकायत बिलीव दैट दिस मटीरियल वर्ल्ड इज द ओनली थिंग दैट एग्जिस्ट एंड देयरफॉर There can be no life after that. ऐसे ही जैसे जैनिज्म बुद्धिज्म है, एक और स्कूल ऑफ थॉट था जिसे हम चारवाका या लोकायत कहते हैं. ये जो स्कूल है इसका बिलीव था कि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं होता है, जैसा कि जैनिज्म बुद्धिज्म में सोचते थे कि लाइफ है दूसरी. इनके हिसाब से ऐसी कोई दूसरी लाइफ नहीं है, जो है वो इसी धरती पे है. दिस स्कूल डज नॉट सीम्स टू हैव गेन मच पॉपुलैरिटी एंड इट डिसअपीयर्ड विद टाइम. वी मेंशन इट टू शो दैट देयर वाज अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम. पीपल वर फ्री टू चूज What suited them. So, ये सिर्फ इसलिए बताया गया है यहाँ पर ताकि आप देख सके कि कितना डाइवर्स था थिंकिंग प्रोसेस उस समय का, कितने अलग अलग बिलीफ सिस्टम थे और लोगों के पास पूरी छूट थी कि वो जिस भी बिलीफ सिस्टम को अपनाना चाहें वो अपना सकते थे. सो चारवाका स्कूल जो था, ये जो स्कूल थी, ये जो विचारधारा थी, ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई और ज्यादा समय तक कंटिन्यू नहीं हुई. नाउ ऑल्दो द वैदिक बुद्धिस्ट एंड जैन स्कूल्स हैड इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, दे ऑल्सो शेयर्ड सम कॉमन कॉन्सेप्ट्स सच एज धर्म, कर्म, रीबर्थ, the search for an end to suffering and ignorance and many important values. जो वैदिक, बुद्धिस्ट, जैन स्कूल्स हमने पढ़े, इन सब में अलग अलग डिफरेंसेस हैं, लेकिन कुछ सेम चीजें भी हैं. जैसे सबने धर्म की बात की है, कर्म करने के ऊपर जोर दिया है, देन रीबर्थ की दोबारा जन्म होगा. जैसे अभी हमने देखा चारवाका में उनका क्या बिलीव था कि कोई रीबर्थ नहीं होता है, जो है इसी लाइफ में है. लेकिन वैदिक, बुद्धिस्ट और जैन स्कूल ने रीबर्थ की बात की और ये भी बात की कि कैसे जो हमारे दुख है, सफरिंग है या जो इग्नोरेंस है, इन सबको हम खत्म कर सकते हैं और वैल्यूज के ऊपर भी बात की. तो ये सारी चीजें कॉमन है इन सभी स्कूल ऑफ थॉट्स में. दिस इज द ट्रंक ऑफ ट्री वी स्टार्टेड दिस चैप्टर विद. तो जो हमने चैप्टर स्टार्ट करते वक्त एक ट्रंक की बात की थी कि एक ट्रंक यानी पेड़ की एक जड़ जो ट्रंक को स्ट्रांग करती है, तने को स्ट्रांग करती है, ये वही ट्रंक है जिसमें सब अलग अलग होते हुए भी, एक पेड़ की डालियां होते हुए भी एक ट्रंक से जुड़े हुए हैं सारे, है ना. सो ये हमने तीन स्कूल ऑफ थॉट्स को डिटेल में पढ़ा. नाउ थिंक अबाउट इट. इन इंग्लिश हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म आर ऑफन लेबल्ड एज रिलीजन्स. ये जो हमने पढ़ा हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म के बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे, इन सबको इंग्लिश में रिलीजन का नाम दिया गया है, धर्म का नाम दिया गया है. यू मे नोटिस दैट वी हैव अवॉइडेड दिस टर्म, प्रेफरिंग स्कूल्स ऑफ थॉट एंड लेटर इन दिस चैप्टर बिलीफ सिस्टम.
इनको हम रिलीजन का नाम ना देते हुए क्या बोल रहे हैं, विचारधारा बोल रहे हैं, स्कूल ऑफ थॉट बोल रहे हैं, जिसके बारे में बाद में हमने इस चैप्टर में बिलीफ सिस्टम, एक विश्वास भी हमने इसको कहा है. सो रिलीजन वर्ड को यहाँ अवॉइड किया गया है. व्हाई? दिस इज बिकॉज दैट देयर आर मेनी एस्पेक्ट टू दोज स्कूल्स एंड सिस्टम्स विच वी एक्सप्लोर ग्रेजुअली, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज है जो हमें जानने के लिए है. सिर्फ एक ये धर्म जैसी चीज नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए. इसका फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, रिलीजियस एस्पेक्ट है, एंड एथिकल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, टू नेम अ फ्यू. ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसके बारे में धीरे धीरे आप पढ़ेंगे. मेनी स्कॉलर्स अग्री दैट द वर्ड रिलीजन इज टू लिमिटिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन. बहुत सारे स्कॉलर्स यानी विद्वानों का मानना है कि रिलीजन वर्ड जब हम यूज करते हैं तो ये लिमिट कर देता है, बाकी के एस्पेक्ट को हम अच्छे से समझ नहीं पाते हैं और इंडियन सिविलाइजेशन को उतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं. इसीलिए हम स्कूल ऑफ थॉट्स के थ्रू इन सभी थॉट्स को, इन सभी विचारधारा को अच्छे से समझेंगे. अगेन थिंक अबाउट इट, इन बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म अहिंसा मीन्स मच मोर देन रिफ्रेनिंग फ्रॉम फिजिकल वायलेंस अगेंस्ट अ पर्सन और एन एनिमल. दोनों ही बुद्धिज्म और जैनिज्म में अहिंसा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप फिजिकल वायलेंस यानी जैसे कि फिजिकली मार पिटाई जो हम करते हैं इससे दूर रहे, नहीं, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है. इट ऑल्सो मीन्स रिफ्रेनिंग फ्रॉम वायलेंस इन थॉट सच एज हैविंग इल फीलिंग टुवर्ड्स एनीवन. ये आपके सोच में भी बदलाव लाने की बात करता है. सोच में जैसे इल फीलिंग क्या है, किसी के प्रति बुरी भावना रखना, ये भी आपके मन में नहीं आना चाहिए, ये भी अहिंसा का पार्ट है. इफ यू ऑब्जर्व आवर सेल्फ केयरफुली वी मे नोटिस सच नेगेटिव थॉट्स एंड लर्न टू टर्न देम इनटू पॉजिटिव वंस. समटाइम्स सच नेगेटिव थॉट्स आर इवन डायरेक्टेड एट आवर सेल्फ. जब आप अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे बहुत से नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में होते हैं, सो उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना भी अहिंसा का पार्ट है. नहीं तो कभी कभी जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं हमारे ऊपर ही हावी होने लग जाते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फोक एंड ट्राइबल रूट्स. फोक मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू पीपल इन जनरल, लोगों से जुड़ी हुई चीजें, और ट्राइबल रूट्स मतलब ट्राइबल यानी ट्राइब से जुड़ी हुई चीजें, जिनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे. सो द कल्चरल रूट्स वी हैव सीन सो फार आर वेल डॉक्यूमेंटेड इन मेनी टेक्स्ट. कल्चरल रूट मतलब होता है भारत की सांस्कृतिक जड़ें. इसके बारे में बहुत सारे टेक्स्ट हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम पढ़कर जान सकते हैं कि भारत की संस्कृति कैसी थी और क्या थी. लेकिन कुछ चीजें लिखी हुई नहीं है, जिसे हम बोलते हैं ओरल ट्रेडिशन, मतलब हमने बोलकर सुनाकर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये चीजें पास ऑन करी हैं. सो इंडिया हैज हैड ऑल्सो रिच ओरल ट्रेडिशन दैट इज टीचिंग और प्रैक्टिसेस ट्रांसमिटेड थ्रू एवरीडे प्रैक्टिस विदाउट रिटन टेक्स्ट. कुछ टीचिंग्स, कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो लिखी नहीं गई हैं, लेकिन ये ट्रांसमिट हो रही हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक बोलकर, सुनकर. जैसे कहानियां हैं बहुत सारी, है ना, कुछ बिलीव्स हैं, जैसे कि बोलते हैं हमें शाम को ये नहीं करना चाहिए या इस दिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. सो ये चीज़ें कहीं लिखी थोड़ी हैं, ये ट्रांसमिट हो रही हैं, हम सुनते चले आ रहे हैं. ऐसे ही एक एग्जाम्पल हमने देखा था वेदास का. वेदास बहुत समय तक सिर्फ ओरली ही ट्रांसफर हो रहे थे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, ये कहीं लिखे नहीं थे. सो ऐसे ही अमंग देम आर न्यूमरस फोक ट्रेडिशन दैट इज ट्रांसमिटेड बाय कॉमन पीपल एंड ट्राइबल ट्रेडिशन ट्रांसमिटेड बाय ट्राइब्स. सो बहुत से फोक ट्रेडिशन यानी लोगों से जुड़े हुए ट्रेडिशन और ट्राइबल ट्रेडिशन यानी ट्राइब्स से जुड़े हुए ट्रेडिशन जो है ट्रांसफर हुए हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक. सो ट्राइब्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं. फोक तो मैंने बताया लोगों से जुड़ी हुई, अब ट्राइब के बारे में जानते हैं. वॉट इज ट्राइब? दे हैव मेनी डेफिनेशन फॉर द सोशल एंटिटी. सोशल एंटिटी मतलब ये जो सामाजिक एक यूनिट है, ये जो लोग हैं जिन्हें ट्राइब कह रहे हैं, इसकी बहुत से डेफिनेशन है. टुडे एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूजुअली कंसीडर अ ट्राइब. जो आज के एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में हमने पढ़ा था, जो समाज को या उनके कल्चर को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, राइट. सो बहुत से एंथ्रोपोलॉजिस्ट के हिसाब से ट्राइबल पीपल कौन है, चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं. सो दे कंसीडर ट्राइब टू बी अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और क्लैंस शेयरिंग अ ट्रेडिशन ऑफ कॉमन डिसेंट, अ कल्चर एंड अ लैंग्वेज, हैविंग अ क्लोज निट कम्युनिटी अंडर अ चीफ एंड होल्ड नो प्राइवेट प्रॉपर्टी. सो ये कुछ फीचर्स दिए हैं कि हम किसको ट्राइब बोलेंगे, जो ऐसे ग्रुप ऑफ फैमिलीज हैं, मतलब बहुत सारी फैमिलीज ग्रुप बनाकर साथ में रहती हैं, जिनका क्लैन सेम है. क्लैन क्या होता है? रिलेटेड टू फैमिली ओनली. कबीला, कुल, हम बोलते नहीं हमारे कुल का है, ये उस कुल का है, या हमारे ये परिजन है, हमारे रिलेटिव्स हैं, है ना. सो ये होता है क्लैन. सो ये एक ही फैमिली के लोग होते हैं, एक ही क्लैन के लोग होते हैं, एक ही डिसेंट, डिसेंट मतलब वंश. कभी ये पुराने समय में एक ही वंश के हैं सारे,
तो ये जुड़े हुए हैं आपस में, ओके, एक ही कल्चर फॉलो करते हैं, एक ही लैंग्वेज बोलते हैं और क्लोज निट कम्युनिटी मतलब मिलजुल कर साथ में रहते हैं, और इन सब का एक चीफ होता है। चीफ मतलब पूरे एक जो इनका क्लैन है, जो ग्रुप है, इनका एक हेड होगा जो सारे फैसले लेगा, बड़े बड़े डिसीजंस लेगा, और इनकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती कि ये पर्टिकुलर इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसका घर है, ये इसकी जमीन है, ऐसा नहीं होता। सो ये है एंथ्रोपोलॉजिस्ट के हिसाब से ट्राइब की डेफिनेशन, जो एक ही फैमिली के लोग हैं, बहुत इनकी संख्या बढ़ गई है, एक साथ रह रहे हैं, एक जैसा कल्चर ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं। तो ये होता है ट्राइब्स। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इंटरेस्टिंगली एंशिएंट इंडिया डिड नॉट हैव अ वर्ड ऑफ ट्राइब। ट्राइब्स वर जस्ट डिफरेंट जनास दैट लिव इन अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट सच एज फॉरेस्ट और माउंटेन्स। प्राचीन भारत में ट्राइब जैसा कोई वर्ड था ही नहीं। हमने वैदिक पीरियड के समय पढ़ा था कि लोगों के जब बहुत सारे ग्रुप बनाकर रहने लगते थे तो उन्हें हम क्या कहते थे, जनास, है ना। सो ऐसे ही इनको भी जना कहा जाता था, बस ये लोग रहते कहाँ थे, एक अलग एनवायरनमेंट में रहते थे, जैसे ये लोग जंगलों में रहते थे या पहाड़ों पर रहते थे, ओके। सो इन्हें हम आज ट्राइब्स कहते हैं। क्यों? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूजेस द टर्म ट्राइब्स एंड ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंग्लिश एंड जनजाति इन हिंदी। हमारे भारत का जो संविधान है, जो रूल बुक है, उसमें ऐसे लोगों के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्राइब्स या ट्राइबल कम्युनिटी, जिनका एक डिस्टिंक्ट कल्चर है, ट्रेडिशन है, जो एक तरीके की भाषा बोलते हैं, एक तरीके का कल्चर ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, तो ऐसे लोगों को ट्राइब्स कहा जाता है या ट्राइबल कम्युनिटी कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में इन्हें हम जनजाति बोलते हैं, ओके? अब यहाँ एक डेटा है, लेट्स रीड। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर इन 2011 इंडिया हैड 705 ट्राइब्स स्प्रेड ओवर मोस्ट स्टेट्स अमाउंटिंग टू अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 104 मिलियन पीपल, मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड किंगडम टुगेदर। 2011 का जो गवर्नमेंट का डेटा है उसके हिसाब से इंडिया में 705 ट्राइब्स हैं और इनकी टोटल पॉपुलेशन 104 मिलियन तक है, और ये जो पॉपुलेशन है आप ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम की टोटल पॉपुलेशन को साथ में ले लेंगे ना, उससे भी ज्यादा है, और ये सारी पॉपुलेशन इंडिया के बहुत स्टेट्स में फैली हुई है, ट्राइबल पॉपुलेशन, ओके? नाउ इन द 19th सेंचुरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडिंग ट्राइब्स ऑफन डिस्क्राइब देम एज अ प्रिमिटिव और इंफीरियर टू सिविलाइज्ड पीपल। सिविलाइज्ड पीपल कौन से लोग होते हैं? जो सभ्य लोग हैं, जो आज के मॉडर्न लोग हैं, जो सब कुछ जानते हैं, तौर तरीके जानते हैं, उनको हम कहते हैं सिविलाइज्ड पीपल। सो 19वीं शताब्दी के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, मतलब जो लोग सोसाइटी की स्टडी करते थे, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते थे, वो लोग ट्राइबल पॉपुलेशन को क्या बोलते थे कि ये प्रिमिटिव हैं, यानी इनके जो सोच है, इनके जो ट्रेडिशंस हैं, वो प्रिमिटिव प्राचीन काल के हैं, और ये इन्फीरियर हैं, मतलब सभ्य नहीं हैं, इनके तौर तरीके सही नहीं हैं। लेकिन विद डीपर स्टडीज ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज एंड देयर रिच एंड कॉम्प्लेक्स कल्चर सच बायस्ड जजमेंट हैव बीन मोस्टली अबेंडन। अबेंडन मतलब होता है छोड़ देना, मतलब अब यूज नहीं किया जा रहा है। जब इन लोगों ने ट्राइबल कम्युनिटीज के कल्चर को, ट्रेडिशन को और डीप में स्टडी करना शुरू किया, जानना शुरू किया, तब ये जो जजमेंट है कि ये लोग इन्फीरियर हैं, प्रिमिटिव हैं, ये सब अबेंडन कर दिए गए, मतलब अब ऐसी सोच नहीं है। इनका जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, बहुत रिच है, मतलब बहुत कुछ जानने को हमें मिलता है। आगे दिया है, देयर हैज बीन अ कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशन एंड लीडिंग स्कूल ऑफ थॉट सच एज दोज वी मेंशन इन दिस चैप्टर। जो फोक ट्रेडिशन है, ट्राइबल ट्रेडिशन है, और भी जो स्कूल ऑफ थॉट हमने पढ़े, इन सबके बीच में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन, मतलब एक दूसरे से ये लोग जुड़े हुए हैं। डीटीज, कॉन्सेप्ट्स, लेजेंड्स एंड रिचुअल्स हैव बीन फ्रीली एक्सचेंज इन बोथ डायरेक्शन। जो भी देवी देवताओं की ये पूजा करते हैं, जो भी इनके लेजेंड्स हैं, स्टोरीज हैं, मतलब कि रिचुअल्स यानी रीति रिवाज है, ये एक्सचेंज हुए हैं इनके बीच में। फॉर इंस्टेंस, यहाँ एग्जाम्पल दिया है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन जगन्नाथ वर्शिप्ड एट पुरी ओडिशा वॉज ओरिजिनली अ ट्राइबल डीटी। दिस इज ऑल्सो द केस विद वेरियस फॉर्म ऑफ मदर गॉडेसेस वर्शिप अक्रॉस इंडिया। आपको पता है, जगन्नाथ जो है वो डीटी यानी देवता थे किसके, एक ट्राइबल कम्युनिटी के। लेकिन आज ऐसा तो नहीं है कि जगन्नाथ टेंपल में सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी जाके पूजा करती है, नहीं, वो सबके लिए है। मतलब ये क्या हुआ, हमने ट्राइबल कल्चर को अपना लिया। ऐसे ही बहुत से मदर गॉडेसेस यानी देवियों की हम पूजा करते हैं पूरे भारत में, वो पहले किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की या ट्राइब्स की थी या एक पर्टिकुलर फोक ट्रेडिशन था, लेकिन अब एक दूसरे ने एक्सचेंज कर लिया है और उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। सम ट्राइब्स ऑन अदर हैंड एडॉप्टेड हिंदू डीटीज लॉन्ग अगो एंड पोजेस देयर own version of Mahabharata and Ramayana. This has been well documented from India's northeastern state all the way to Tamil Nadu. ऐसे ही tribal people ने भी बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं को अपना लिया है। इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जो भी स्टेट्स है, वहां से तमिलनाडु तक
रामायण और महाभारत का अपना ही एक वर्जन है जिस फॉर्म में वो लिखा गया है। सो इसका मतलब क्या है, फोक ट्रेडिशन या ट्राइबल ट्रेडिशन जो है ये आपस में इंटरैक्ट हुए हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर इन्होंने एक दूसरे की चीजों को एक्सेप्ट भी किया है। लेकिन हाउ हैव सच इंटरैक्शन टेकन प्लेस फॉर सो लॉन्ग सो नेचुरली, लेकिन इंटरैक्शन हुए कैसे, इट इज इन द एंड बिकॉज फोक ट्राइबल एंड हिंदू बिलीव सिस्टम हैव मैनी सिमिलर कॉन्सेप्ट। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि फोक ट्रेडिशन हो या ट्राइबल ट्रेडिशन हो या हिंदू बिलीव सिस्टम हो, इनके बहुत से कॉन्सेप्ट सेम हैं। जैसे कि इन ऑल थ्री एलिमेंट्स ऑफ नेचर सच एज माउंटेन्स रिवर्स ट्रीज प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड सम स्टोन्स टू आर रिगार्डेड एज सेक्रेड बिकॉज देयर इज कॉन्शियसनेस बिहाइंड ऑल ऑफ देम। आपको पता है कि इन सभी ट्रेडिशंस में, चाहे फोक हो, ट्राइबल हो या हिंदू बिलीफ सिस्टम हो, सब में नेचर की जो चीजें हैं जैसे माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ट्री है, प्लांट है, एनिमल है, यहां तक कि कभी कभी पत्थरों की भी पूजा की जाती है, इन सबको सेक्रेड माना जाता है, पवित्र माना जाता है। तो ये सेम थॉट है सभी में, इसीलिए इनके बीच में इंटरैक्शंस हुए क्योंकि सेम थॉट्स मिलते हैं। इंडीड ट्राइब्स जनरली वर्शिप मेनी डीटीज एसोसिएटेड विद दोज नेचुरल एलिमेंट्स। ये सच है कि बहुत से ट्राइब्स की जो पॉपुलेशन है वो पूजा करती है, वर्शिप करती है ऐसी नेचुरल एलिमेंट्स की, नदियों की, पर्वतों की। जैसे एक एग्जांपल यहां दिया है, टोडा ट्राइबल्स ऑफ द नीलगिरीज तमिलनाडु फॉर इंस्टेंस, वन ऑफ देम इज पिक्चर्ड इन द इमेज ऑन द राइट। ओवर 30 पीक्स ऑफ दिस माउंटेन रेंजेस आर residence of a god or a goddess. Those peaks are so sacred that the Todas avoid pointing on them with a finger. So, ये आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि extra question में भी है, तो वहाँ पर सिर्फ हम read कर लेंगे, okay? So, तमिलनाडु की जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है, उसमें टोडा ट्राइब्स रहते हैं, okay? एक जने की पिक्चर भी यहाँ दी गई है जो टोडा ट्राइब से बिलोंग करते हैं। सो टोडा ट्राइब के जो लोग हैं वो पूरी पर्वत श्रृंखला जो नीलगिरी है उसमें 30 ऐसे पहाड़ों को, माउंटेन्स को वो इतना सैक्रेड यानी पवित्र मानते हैं कि उसमें देवी देवता वास करते हैं, और उन पर्वतों की तरफ वो अपनी फिंगर भी पॉइंट नहीं करते हैं, उंगली भी नहीं उठाते हैं। सो इस तरीके से वो लोग नेचुरल एलिमेंट्स की पूजा करते हैं। नाउ But despite this multiplicity of deities, as with Hinduism, many tribal groups have a concept of higher divinity or supreme being. So, tribal groups हैं, ये लोग एक supreme power को मानते हैं कि एक दैविक शक्ति है जो सबसे ऊपर है। For example, यहाँ example दिया है, several tribes of Arunachal Pradesh worship Donyo Polo, a combined form of the sun and moon who later rose to the higher status of supreme god. Arunachal Pradesh के बहुत से जो tribes हैं वो sun और moon की combined एनर्जी को डोनियो पोलो एक सुप्रीम गॉड के रूप में पूजा करते हैं। ऐसे ही सेंट्रल इंडिया के जो ट्राइब्स हैं वो खंडोबा रूप में देवता की पूजा करते हैं। ऐसे ही ईस्टर्न इंडिया में मुंडा संथाल ट्राइब्स हैं जो पूर्वी भारत में हैं, वो लोग सुप्रीम डीटी यानी एक देवता की पूजा करते हैं जिसका नाम है सिंह बोंगा, हु क्रिएटेड दिस होल वर्ल्ड, जिसने पूरी दुनिया बनाई है। देर आर मैनी मोर सच एग्जाम्पल्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए, इससे भी बहुत ज्यादा ऐसे देवी देवताओं को ये ट्राइबल्स वर्शिप करते हैं। अब ये भी टॉपिक क्वेश्चन में है तो प्लीज पे अटेंशन। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट आंद्रे बेतल सम अप द सिचुएशन इन दीज वर्ड्स। अभी जो हमने इंटरेक्शन पढ़ा इसको एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट कैसे बताते हैं जिनका नाम है आंद्रे बेतल, लेट अस जस्ट रीड। Thousands of castes and tribes on the Indian subcontinent have influenced each other in their religious beliefs and practices since the beginning of history and before. So, history की शुरुआत से ही और उससे भी पहले से जो बहुत सी caste और tribes Indian subcontinent part में रहती है उसने एक दूसरे के religious belief में, tradition में, culture में एक दूसरे को influence किया है। That the tribal religion have been influenced by Hinduism is widely accepted, but it is equally true that Hinduism not only in its formative phase but throughout its evolution has been influenced by tribal religion. So aisa nahi hai ki sirf tribal religion hi influence hua hai hinduism se, balki jo hinduism school of thought hai isne sirf formative daur mein nahi, formative matlab jab ye shuru ho raha tha tab nahi, balki pure period mein jab ye evolve hua hai, develop hua hai dheere dheere, har samay isne tribal jo tradition hai usko accept kiya hai. So humne kya dekha, clearly the result of this long interaction has been mutual enrichment in this manner. Folk and tribal belief and practices also count among India's cultural root. We will further develop this point in next chapter. So इससे हमें पता चलता है कि जो interactions हुए हैं इसकी वजह से हमारा जो culture है, tradition है, और enrichment मतलब enrich हुआ है, मतलब समृद्ध हुआ है, और इससे हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो सांस्कृतिक जड़ें हैं उसमें folk tradition का, tribal belief और tradition का भी बहुत बड़ा role है, जिसके बारे में हम next chapter में पढ़ेंगे। इसके साथ हमने ये chapter कवर कर लिया है, बुक की समरी देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लीज ध्यान से देखिए क्योंकि ये पॉइंट्स हम एक्स्ट्रा पॉइंट में कवर नहीं करेंगे, ओके?
So the Vedas, India's earliest text, gave rise to several school of thoughts. Vedanta and Yoga are among the best known. So Veda जो बहुत पुराने हमारे text हैं, उन्होंने और school of thoughts को जन्म दिया, जैसे Vedanta, Yoga. Buddhism and Jainism departed from the authority of Veda and laid emphasis on some specific value and practices. Buddhism, Jainism एक अलग school of thought develop हुए, उन्होंने Veda की authority को नहीं माना, उन्होंने अलग values, practices teach किए. Although these schools had different principles and methods, they also shared some important concepts. They were all looking for the cause of suffering and the means of removing ignorance. ये सभी school of thoughts अलग अलग तो थे, लेकिन इनके कुछ common points भी थे. जैसे ये सब human क्यों suffer करते हैं, इस idea को जानना चाहते थे. Ignorance भरी जो life है, इससे हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं, remove कैसे कर सकते हैं इन sufferings को, इनके ऊपर ये लोग बात किया करते थे. Tribal belief system and art have interacted for millenniums with Hinduism. Tribal belief system जो है वो Hinduism के साथ लाखों सालों से interact करती आ रही है. They were free borrowing and giving from each side. Tribal belief system generally regard the land and its feature as sacred. They often have at the same time a higher concept of divinity. So हमने देखा था कि एक दूसरे के कल्चर को ये लोग फ्रीली एक्सेप्ट करते हैं. ट्राइबल लोग जो है नेचुरल एलिमेंट्स की पूजा करते हैं, एक सुप्रीम डिवाइन फोर्स में भी ये लोग विश्वास करते हैं. So ये बुक की समरी हो गई, अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखते हैं. So many archaeologists and scholars have pointed out that some of India's cultural roots go all the way to Hindu or Harappan or Sindhu Saraswati civilization. Some of cultural branches are about art, literature, science, medicine, religion, the art of governance, martial arts and so on. So archaeologists के हिसाब से भारत का जो cultural root है, ये सिंधु घाटी सभ्यता तक, सिंधु सरस्वती जो civilization है जिसके बारे में आगे chapters में पढ़ेंगे, इतनी पुरानी है और इसकी बहुत सी branches हैं. देन हमने देखा था वेदास और वैदिक कल्चर के बारे में. वेदा क्या होता है? इट कम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड विद विच मीन्स नॉलेज. और हमने देखा था फोर वेदास हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा. फिर वैदिक जो हिम्स हैं, ये ऋषि और ऋषिकाओं ने लिखे हैं अर्ली संस्कृत लैंग्वेज में. हिम्स वर एड्रेस्ड इन पोएटिकल फॉर्म टू मेनी डिटीज. ये देवी देवताओं के लिए लिखे गए हैं. जैसे कौन कौन से देवी देवता थे? इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सरस्वती, उषा एंड मैनी मोर. फिर वैदिक सोसाइटी में हमने देखा था कि जो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल साथ में रहने लगते थे, उन्हें हम जना कहते थे या क्लैन कहते थे. इसमें 30 ऐसे जना के बारे में ऋग्वेदा में बताया गया है. जैसे कुछ एग्जांपल हैं, भरतास, पुरुष, कुरुष, है ना. उस समय की सोसाइटी कैसी थी, तो वेदा हमें कुछ क्लूज देते हैं. जैसे उन्होंने वर्ड यूज किया है राजा, जिसका मतलब हो सकता है किंग या रूलर. सभा एंड समिति, सभा एंड समिति क्या है? कलेक्टिव गैदरिंग है, असेंबली है ना. मेनी प्रोफेशंस आर मेंशन इन द वैदिक टेक्स्ट सच एज एग्रीकल्चरलिस्ट, वीवर, पॉटर, कारपेंटर. बहुत सारे जो प्रोफेशन लोग अपनाते थे उनके बारे में बताया गया है. देन वैदिक स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि वैदिक कल्चर आल्सो डेवलप्ड मेनी रिचुअल्स डायरेक्टेड टुवर्ड वेरियस डीटीज. बहुत सारे रिचुअल स्टार्ट हुए और उपनिषद ने कॉन्सेप्ट्स रीइंट्रोड्यूस किए, जैसे रीबर्थ या कर्म या आत्मा. इसके बारे में उपनिषद से हमें पता चलता है. रीबर्थ मतलब पुनर्जन्म होना, कर्म में विश्वास रखना, आत्मा के बारे में बताया कि सबके अंदर होती है ना. फिर एक नया स्कूल ऑफ थॉट था वेदांता, जिसमें हमें ह्यूमन लाइफ, नेचर और यूनिवर्स को बताया गया कि सभी पार्ट है डिवाइन एसेंस का, जिसे नाम दिया गया ब्रह्म. फिर आत्मा क्या होता है? सेल्फ डिवाइन एसेंस है जो सबके अंदर होता है, जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन ये भी किसका अंश है? ब्रह्म का अंश है. ये सब हमें कहां से मिला है? तो उपनिषद से हमें कॉन्सेप्ट मिला है. ओके, नाउ बुद्धिज्म के बारे में हमने पढ़ा था, एक नया स्कूल ऑफ थॉट है. हमने देखा था 2500 साल पहले सिद्धार्थ गौतम का जन्म लुम्बिनी में हुआ था. आपको बताना है कॉमेंट सेक्शन में कि लुम्बिनी कौन से देश का पार्ट है, आज कौन सी कंट्री का पार्ट है. ओके, ही केम अक्रॉस फोर साइट. उन्होंने चार साइट्स देखे थे, जिसमें उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति देखा था, एक सिक मैन देखा था, एक डेड बॉडी देखी थी और एक एसेटिक यानी साधु देखा था, जिसके चेहरे पे एक अलग ही प्रकार की खुशी थी. देन ही अटेन एनलाइटनमेंट अंडर अ पीपल ट्री, जो कहां पर है? बोधगया में है. आपको ये भी बताना है बोधगया कहां पर है, आज के प्रेजेंट स्टेट में. ओके, सो बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसीलिए इन्हें बुद्धा या एनलाइटन या अवेकन वन कहा जाने लगा. ही स्टार्टेड टीचिंग, कुछ आइडियाज उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया, जैसे कि अहिंसा यानी कि नॉन हर्टिंग और नॉन इंजरिंग. ये इसका ओरिजिनल मीनिंग था अहिंसा का. ओके स्टूडेंट्स, सो बुद्धिज्म तक के टॉपिक को हमने एक्स्ट्रा नोट्स के साथ भी कवर कर लिया है. बाकी के एक्स्ट्रा नोट विद बुक की एक्सरसाइज एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन वी आर कवरिंग इन पार्ट 4. यू कैन वॉच दैट पार्ट 4 बाय क्लिकिंग ऑन द आई बटन लिंक गिवन ओवर हियर. आई बटन पे क्लिक करके आप बचा हुआ चैप्टर देख सकते हैं. पार्ट 4 में हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है. आई होप दीज वीडियोज आर हेल्पिंग यू. If you are liking these videos, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.